ओके, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दिस इज द क्लास 3 ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जो भी पढ़ा था उसके आगे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले मैंने आपको बताना है इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। किसके बारे में? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। वैसे तो अगर हम इसके वर्ड्स का मीनिंग ही देख लें तो आपको पता लग जाएगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस का क्या मतलब है। इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल सरफेस यानी कि एक ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल वैल्यू इक्वल रहती है, उसे क्या कहते हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। सो अ सरफेस एट विच एवरी पॉइंट हैज द सेम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज कॉल्ड एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, राइट। जैसे मान लो ये एक सरफेस है, कोई पेपर है। अब उस पेपर के लेटर से हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। अगर हम ए पॉइंट पे करें तो वो भी 5 वोल्ट है, बी पॉइंट पे भी 5 वोल्ट है, सी पॉइंट पे भी 5 वोल्ट है। मतलब आप इस सरफेस पे जितने मर्जी पॉइंट ड्रॉ कर लो, हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल वैल्यू है वो 5 वोल्ट रह रही है। इसका मतलब क्या बन गई? एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। इज इट क्लियर? तो इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। अभी हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे या प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। पहली की टू मूव अ चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस नो वर्क इज डन। कि अगर हमें एक चार्ज को मूव करना हो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे तो कोई भी काम नहीं करना पड़ता। बिकॉज क्योंकि किसी भी चार्ज को मूव करने में जो वर्क डन करना पड़ता है वो क्यू इंटू वी ए माइनस वी बी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। और बाय डेफिनेशन फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस जितने भी पॉइंट्स है सबकी पोटेंशियल वैल्यू सेम होगी। तो फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस वी ए की वैल्यू वी बी के बराबर होगी। वी ए की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो देयर फॉर वर्क डन 0 आ जाएगा। वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। तो ये पहली प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि हाँ जी। दूसरी प्रॉपर्टी, एज डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। अब मैंने आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन करवाया था, इसमें हमने लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल भी किए थे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो नेगेटिव ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर होता है फॉर इक्वी पोटेंशियल सरफेस डी वी 0 होता है। तो इसका मतलब माइनस ई डॉट डी आर भी 0 हो जाएगा। और अगर ई डॉट डी आर 0 होगा इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगी उसकी सरफेस के। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू अ गिवन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये भी आपको बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर रहती है एक गिवन इक्विपोटेंशियल सरफेस के। तीसरी प्रॉपर्टी, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस
कैन नेवर कट और क्रॉस ईच अदर। याद करो, ऐसी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की भी थी कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी कट नहीं कर सकती हैं, ऐसे ही कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, तो वो एक दूसरे के अगर एग्जिस्ट करती हैं तो पैरेलल ही रहेंगी। क्या रहेंगी? पैरेलल। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाकर दिखाऊंगा। जैसे अगर एक पॉजिटिव सोर चार्ज हो और एग्जामिनर कहे कि इसके आसपास इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करो, राइट? तो आपने क्या करना है, स्फीयर्स ड्रॉ करने हैं। वैसे तो सर्कल ड्रॉ होते हैं क्योंकि हमारा पेपर एक 2D है, बट वैसे ये स्फीयर होंगे। ये ऐसे एक स्फीयर ड्रॉ करना है, फिर दूसरा स्फीयर ड्रॉ करना है पैरेलल कंसेंट्रिक। आपको क्या ध्यान रखना है, जब ये आप स्फीयर ड्रॉ करोगे तो आपने इनके बीच में गैप बढ़ाते जाना है, उसका मैं रीजन बताऊंगा। तो आप ध्यान से देखो, ये जो मैं सर्कल्स ड्रॉ कर रहा हूं तो इनके बीच में गैप बढ़ता जा रहा है, दे आर नॉट इक्वली स्पेस, यू कैन वेरी इजिली सी। तो ये मैंने चार इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाकर दिखाई है एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज के अराउंड, जिनकी शेप है कंसेंट्रिक स्फीयर्स, कंसेंट्रिक स्फीयर्स, राइट? और क्योंकि अभी ये हम मैंने पीछे बताया है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है गिवन इक्विपोटेंशियल सरफेस के, तो अगर हम इसके परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर दें आउटवर्ड तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करेंगी एक सोर्स की। तो ये जो लाइंस हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रही हैं इस पॉजिटिव सोर्स चार्ज की, और जो ये सर्कल्स बनाए हैं मैंने ये उसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो एक ही डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड भी नजर आ रही है और इक्विपोटेंशियल सरफेस भी नजर आ रहा है। जैसे जब हम इस स्फीयर को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं तो इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल वैल्यू 1 वोल्ट होगी। कितने वोल्ट होगी? 1 वोल्ट। इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल 3 वोल्ट होगी। इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल 5 वोल्ट होगी। तो इसका मतलब ये सब अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस का हिस्सा। हाँ जी, ये क्लियर है यहां तक? ऐसे ही अगर एग्जामिनर आपको कहेगा कि भी एक नेगेटिव चार्ज है और उसके अराउंड इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ, तब भी आप ऐसे ही सर्कल बनाओगे। तो चाहे पॉजिटिव के लिए चाहे नेगेटिव के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स ही बनाने हैं। हाँ, इनमें भी वही लॉजिक लगाना है कि इनमें गैप बराबर नहीं रखना है, जैसे हम बाहर जाएंगे इनके बीच में आपने गैप बढ़ाते जाना, तो इक्वल गैप नहीं दिखाना है, अनइक्वल गैप दिखाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके भी परपेंडिकुलर होंगी लेकिन वो इनवर्ड की तरफ आएंगी, तो उनका एरो अंदर की तरफ कर देना। तो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसेंट्रिक स्फीयर्स ही बने, ठीक है? ठीक है, जैसे इसके हर पॉइंट पे -1 वोल्ट वैल्यू होगी, इसके नियर पॉइंट पे लेट अस से -3 वोल्ट वैल्यू होगी हर पॉइंट पे, इसके हर पॉइंट पे -5 वोल्ट वैल्यू होगी। तो ये अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है, कंसेंट्रिक स्फीयर्स। राइट? अब आपके दिमाग में ये बात मतलब सोच रहे होगे आपकी भी, सर ने ऐसा क्यों कहा कि इनमें स्पेसिंग बराबर क्यों नहीं रखनी है। उसको हम जस्टिफाई करेंगे एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू -dV/dr फॉर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस।
तो इसको मैं बताता हूँ कि स्पेसिंग क्यों बढ़ती जा रही है जब हम दूर जा रहे हैं। अब आपको रिलेशन पता है, ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। मान लो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए मैं डीवी की वैल्यू कांस्टेंट रखता हूँ। जैसे मैंने एक सरफेस के लिए 5 वोल्ट रखी, फिर 3 वोल्ट रखी, फिर 1 वोल्ट रखी, तो साफ नजर आ रहा है कि दो दो वोल्ट का डिफरेंस है। तो अगर हम डीवी को कांस्टेंट रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डीआर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी वहां डीआर इंक्रीज होगा। अब जैसे हम चार्ज से दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होनी शुरू हो जाती है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक, एरो नीचे का मतलब वीक डिक्रीज हो रही है, तो डीआर इंक्रीज होना चाहिए। डीआर क्या होना चाहिए, मतलब उसमें स्पेसिंग बढ़नी चाहिए। और जैसे जैसे हम पास आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती जाएगी और डीआर कम होता जाएगा। तो ये जस्टिफाई करता है कि क्यों हमने स्पेसिंग स्टार्टिंग में कम रखी थी, लेकिन जैसे जैसे हम चार से दूर जा रहे हैं हम उनके बीच की स्पेसिंग को बढ़ाते जा रहे हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड और डीवी में ये रिलेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस डीवी बाई डी आर। अब मान लो मैं दो इक्विपोटेंशियल सरफेस में डीवी को एक कांस्टेंट डिफरेंस उनका रखता हूँ। जैसे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पे 5 वोल्ट है, फिर उसके बाहर 3 वोल्ट है, फिर उसके बाहर 1 वोल्ट है, तो इन सब में दो दो वोल्ट का डीवी है। तो डीवी कितने वोल्ट का है? तो अगर ये डीवी कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब ई और डी आर में इनवर्स रिलेशन आ गया। इसका मतलब जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी वहां डी आर इंक्रीज हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। इनवर्स रिलेशन का यही रूल होता है, ये वीक होगी तो ये स्ट्रॉन्ग होगा, ये स्ट्रॉन्ग है तो ये वीक होगा। ठीक है, तो इसका मतलब उनके बीच में स्पेसिंग बढ़ती जाएगी। ये क्लियर है? अब आपको मैं और कुछ भी इक्विपोटेंशियल सरफेस बना के दिखाता हूँ, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। अगर एक डाइपोल हो, लेट अस से ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इसके अराउंड इक्विपोटेंशियल सरफेस बनानी है। तो आपने जो सर्कल, पहले पहले एक दो सर्कल तो आपने इसके अराउंड जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो सर्कल की फॉर्म में ही दिखाना है ऐसे। लेकिन बाद में जो सर्कल बनाओगे वो थोड़े से ऐसे ओवल करने स्टार्ट कर दोगे। क्या करने स्टार्ट कर दोगे? ओवल, बाहर की तरफ को वो थोड़े दूर चले जाएंगे चार से, अंदर की तरफ उसके क्लोज होंगे। तो ऐसे ये एग्जामिनर पूछता है, इसीलिए आपको ड्रॉ करने आने चाहिए बोर्ड एग्जाम में। हैं? हाँ, ये इसका रीजन भी मैं दूंगा, ये क्यों ऐसे बाहर की तरफ तो ये दूर जा रहे हैं लेकिन अंदर की तरफ ही एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, उनके बीच में स्पेसिंग इतनी ज्यादा नहीं है इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में। कुछ ऐसे आईसी लग रही है, ठीक है, और बिल्कुल बाहर वाली को ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर दो, तो ये एक तरह से आउल की आईज जैसी नजर आनी स्टार्ट हो गई, है ना। तो ये रिप्रेजेंट कर रही है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, अक्रॉस अ डाइपोल, राइट। और अगर इनके परपेंडिकुलर मैं लाइंस ड्रॉ कर दूं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करेंगी। अब आप सबको पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो इसका मतलब इनके बीच वाली जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी। तो इनके बीच वाले रीजन में क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो रही है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोजर आ रही है, लेकिन बाहर वाले जगह पर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तो इसीलिए उनमें डिप और वो सोर चार्ज से दूर जाती जा रही है तो उनमें स्पेसिंग बढ़ती जाएगी। तो आपने ऐसे बनाने हैं सर्कल्स, ये सर्कल तो नहीं कहलाएंगे, ओवेल्स ही कहलाएंगे। तो ऐसे आपने ओवेल्स ड्रॉ करने हैं टू रिप्रेजेंट द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये 1 मार्क में आता है बोर्ड एग्जाम में कि भाई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के अराउंड कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करके दिखाओ। सिमिलरली अगर मान लो एग्जामिनर आपको कहता है कि दो लाइक चार्जेस के अराउंड इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ, जैसे दो पॉजिटिव सोर चार्ज है, राइट,
तो उसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस जो आप ड्रॉ करोगे तो क्या करोगे, इनके बीच वाले रीजन में गैप ज्यादा दिखाओगे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में, जैसे जैसे वो फैलेंगे बाहर इतना नहीं दिखाओगे, तो उल्टा हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखो, बीच वालों जो पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच की जगह है वहां पे सर्कल में गैप बढ़ता जा रहा है। हाँ, इसका मतलब बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, वीक हो रही है क्योंकि वो रिपेल्ड कर रही है। तो ये भी आपको आना चाहिए, तो थोड़ा देखकर ही आप इसको दिमाग में रखोगे कि कहाँ पे आपको उनके बीच में गैप ज्यादा रखना है, अंदर की तरफ के बाहर की तरफ। और इसका रीजन जैसे दलजीत ने बता ही दिया कि उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर चली जाएंगी क्योंकि ये रिपेल कर रहे हैं दूसरे से। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाती है वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस में गैप बढ़ जाता है, तो बिकॉज ऑफ रिपल्सन फोर्स। तो ये इसके अराउंड हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करके दिखा दिया। तो ये दोनों आने चाहिए, दोनों में से कोई एक एग्जामिनर वन मार्क में पूछता है, या तो डाइपोल का निकालने को या बनाने को बोलता है, या दो लाइक चार्जेस का बोलता है। तो ये हो जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस सरफेसेस अक्रॉस टू लाइक चार्जेस। ओके, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस समझने के बाद अब हम एक और छोटा सा कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो अब मैं आपको एक फार्मूला बताने जा रहा हूँ, जो मतलब जिसकी अगेन डेरिवेशन तो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन उसका फार्मूला पता होना चाहिए क्योंकि कंपटीशन के क्वेश्चंस में आएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन ऑफ चार्ज रिंग, चार्ज रिंग। मान लो ये एक रिंग है, जैसे हमने हाथ में कड़ा पहना होता है, बैंगल होती है, तो ये एक रिंग है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो इसकी सरफेस पे चार्ज गिवन है, क्या गिवन है, चार्ज। इसके रेडियस को हम कैपिटल आर ले लेते हैं, और इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी एक्सियल लाइन पर, और हमें वहां पे पोटेंशियल की वैल्यू पता करनी है। तो आपको याद करना है ये फार्मूला कि किसी भी एक्सियल लाइन पे जो पोटेंशियल बनता है एक चार्ज रिंग के कारण, वो बनता है 1/4 पाई नोट क्यू। यहाँ पे टोटल चार्ज है जो हमने रिंग को दिया हुआ है, ओवर आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर का अंडर द रूट, आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर का अंडर रूट। जैसे मैंने बोला एक्स उसका डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वो, और आर उसका रेडियस है। अगर हमें यही पोटेंशियल सेंटर पे निकालना है, सेंटर ऑफ रिंग पे, तो आप एक्स को 0 पुट कर दो। तो अगर आप एक्स को 0 पुट कर दोगे तो सेंटर पे पोटेंशियल निकल आएगा। तो अगर आपको अलग से फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको वी एक्सएल का ही फार्मूला याद है और सेंटर पे निकालने को बोल रहा है, तो बस पुट एक्स को 0 पुट कर दो। एक्स को क्या पुट कर दो, 0, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है कि अगर मैं सेंटर पे पहुंचना है तो एक्स 0 लेना पड़ेगा। तो अगर मैं एक्स को 0 पुट कर दूं तो यह हो जाएगा 1/4 पाई नोट क्यूब आया। ऐसे ही पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, पहली बात तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे ऐसे बाहर की तरफ आती है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होती है। तो एक्सियल लाइन ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फार्मूला होता है, 1/4 पाई नोट क्यू एक्स
ओवर आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2, क्यू एक्स ओवर आर स्क्वेयर प्लस इसकी पावर 3/2। क्यू यहाँ पे चार्ज है जो हम दे रहे हैं, एक्स वही डिस्टेंस है, और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे निकालें तो वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही हम एक्स को जीरो पुट करेंगे तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये दोनों फार्मूले पता होने चाहिए कि एक यूनिफॉर्म चार्ज रिंग के एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है और पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है। तो ये दोनों फार्मूले आपको याद रखने हैं, पोटेंशियल एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ अ रिंग। अब इसी को ध्यान के रखते हुए हम एक क्वेश्चन लेंगे इसी टॉपिक पे। तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं आपकी बुक से, एग्जाम्पल 2.24। तो पहले उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझते हैं। उसमें कह रहा है कि टू आइडेंटिकल थिन रिंग्स हैं जिनका रेडियस आर है और उनको कैपिटल आर डिस्टेंस ही दूर रखा हुआ है। तो वो कह रहा है कि टू आइडेंटिकल रिंग्स हैं, तो ये मैं रिंग्स बना लेता हूं। तो ये दो रिंग्स हैं, ठीक है, और इन दोनों रिंग का रेडियस कैपिटल आर लेने को बोला हुआ है और इनके सेंटर में डिस्टेंस को भी कैपिटल आर ही है। तो ये हमारे दो रिंग बना लिए, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इन दोनों रिंग्स पे चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो रखा है। ये वाले रिंग पे चार्ज Q1 है और ये वाले रिंग पे चार्ज Q2 है, राइट, ये भी गिवन है। आपको कह रहा है फाइंड द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज स्मॉल क्यू फ्रॉम सेंटर ऑफ रिंग है। तो हमें एक एक और एडिशनल चार्ज है स्मॉल क्यू, उसको पहले रिंग के सेंटर से दूसरे रिंग के सेंटर पे मूव करके लेकर जाना है। बताओ कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो हमें फाइंड वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम O टू O डैश। O पहले रिंग का सेंटर है और O डैश दूसरे रिंग का सेंटर है, ठीक है। तो पहले तो क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने बढ़ने से पहले। हाँ जी, न्यूमेरिकल क्लियर है? शैल आई रिपीट वंस अगेन और इज इट ओके? ओके। तो हमें पूछा है कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा अगर स्मॉल क्यू को ओ से ओ डैश मूव करना है, ओ से ओ डैश मूव करना है, ठीक है। अब जब भी किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करना होता है तो आपको उन दोनों पॉइंटों का पोटेंशियल चाहिए, क्योंकि तो पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज मूव होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन ओ और ओ डैश दोनों पॉइंटों का पोटेंशियल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल एट पॉइंट ओ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट ओ, जो पहले रिंग का सेंटर है वी ओ है। अब ऑफ कोर्स ऊपर वाले फार्मूले से, अब ध्यान से देखो जो ओ है वो पहले रिंग का सेंटर है। पहले रिंग का क्या है, सेंटर, पहले रिंग का क्या है, सेंटर। तो इसका कितना पोटेंशियल होगा, 1/4 पाई E0 जो पहले रिंग पे चार्ज है डिवाइडेड बाय उसका रेडियस। और उसी जगह पे जो पोटेंशियल दूसरा रिंग बनाएगा वो उसके एक्सियल लाइन पर है। अब एक्सियल लाइन पे कितना पोटेंशियल होता है, वो होता है 1/4 पाई E0 जो चार्ज है डिवाइडेड बाय आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर अंडर द रूट। अब एज पर गिवन क्वेश्चन एक्स भी आर के ही बराबर है और रेडियस भी आर है, तो वो जगह आर स्केयर प्लस आर स्केयर अंडर द रूट। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो 1/4 पाई E0 इंटू 1/r कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा Q1 प्लस Q2/√2, Q1 प्लस Q2/√2। तो ये थोड़ा सा मैंने इसको सिंपलीफाई कर लिया, अभी से मैंने इक्वेशन वन कह के रख दिया, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ओ पॉइंट पे जो पोटेंशियल बन रहा है वो फर्स्ट रिंग के सेंटर
पे फर्स्ट रिंग के कारण उसके सेंटर पे बन रहा है और दूसरे रिंग के एक्सियल लाइन पे बन रहा है। अब हम ऐसे ही पोटेंशियल एट पॉइंट ओ डैश निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एट पॉइंट ओ डैश, जो सेकेंड रिंग का सेंटर है। अब सेकेंड रिंग के सेंटर पे वो रिंग कितना पोटेंशियल बनाता है, उसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई E0 उसका चार्ज बाय रेडियस। और फर्स्ट रिंग के एक्सियल लाइन पे है ओ डैश, तो उसका पोटेंशियल होगा 1/4 पाई E0 Q1 ओवर R² + R² √। इसको भी हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई E0 × 1/R कॉमन आ जाएगा, Q2 + Q1 √2। तो ऐसे हमने पहले इन दोनों पॉइंटों पे पोटेंशियल निकाला। तो एक मिनट यहां पे आप इसको अच्छे से पहले समझो आगे बढ़ने से पहले। हमने दोनों पॉइंटों पे पोटेंशियल निकाल लिया। हाँ जी, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसीज क्या हुआ? वीओ डैश माइनस वीओ। तो मैंने इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 से वीओ डैश और वीओ की वैल्यू को पुट कर दिया और जितना मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ एलसीएम लेके मैंने सॉल्व कर दिया और वही आंसर हो गया। तो देखो इस क्वेश्चन को न्यूमेरिक, ठीक है? तो आपने क्या मतलब कंसेप्ट क्या है कि जो भी वर्क डन होता है एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा वो जो चार्ज को मूव कर रहे हैं इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, ये कंसेप्ट और ये न्यूमेरिकल समझने के बाद हम क्या करेंगे? अब एक और छोटी सी नॉलेज दूंगा। वैसे ये नॉलेज मैंने पहले भी दी थी बट फिर भी दोबारा से दूंगा। हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू का फार्मूला लिखेंगे ड्यू टू अ कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फीयर होलो और सॉलिड, राइट? मान लो मेरे पास ये एक चार्ज स्फीयर है, होलो हो या सॉलिड हो उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि चार्ज ने तो सरफेस पे ही रहना है। चार्ज कहाँ रहता है? सरफेस पे। अगर कंडक्टिंग स्फीयर है तो चाहे सॉलिड हो चाहे होलो हो चार्ज हमेशा सरफेस पे रहता है। अब मान लो ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, राइट? अब जब तक हम उसकी सरफेस पे हैं, क्या है उसकी, या इनसाइड है, क्या है, तब तक उसका जो पोटेंशियल है वो इस फार्मूले से देखा जाएगा 1/4 पाई E0 Q/R। स्मॉल क्यू यहां पे उस पे गिवन चार्ज है और आर उसका रेडियस है। लेकिन अगर हम स्फीयर के बाहर आ जाते हैं, मान लो एक हम आर डिस्टेंस पर आ गए जो कि उसके सेंटर से ए पॉइंट आर डिस्टेंस है, तो जब हम बाहर चले जाते हैं तो जो फार्मूला हो जाता है वो जाता है 1/4 पाई E0 Q/r, Q/r।
अब इस पूरी नॉलेज को अगर मैं एक ग्राफ बनाकर दिखाऊं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कैसे वेरिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो मान लो मैं एक्स एक्सिस में डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर ले लेता हूं और वाई एक्सिस में पोटेंशियल वैल्यू ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? वाई एक्सिस में पोटेंशियल। तो ग्राफ ऐसे बनेगा, पहले तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा क्योंकि जब तक स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर नहीं आ जाता तब तक पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जैसे ही हम सरफेस पे आ गए तो पोटेंशियल की वैल्यू स्मॉल आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि जितना हम उससे दूर जाते जा रहे हैं उतना वो कम होता जा रहा है पोटेंशियल वैल्यू। तो आपको याद रखना है कि जब तक आप स्फीयर के इनसाइड है या सरफेस में है पोटेंशियल वैल्यू कॉन्स्टेंट रहती है, और उसके बाहर आ जाते हैं तो पोटेंशियल वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो ये भी एक नॉलेज है जो आपको याद रखनी है। हाँ जी, अब क्योंकि पोटेंशियल जब तक हम सरफेस पे नहीं आते कांस्टेंट रहता है, इसका एक और मतलब निकलता है आल्सो, एक बात और याद रखनी है कि जब तक हम इनसाइड हैं उस सफियर के अंदर हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी? पोटेंशियल की वैल्यू सरफेस और इनसाइड कांस्टेंट रहेगी लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी। इसे हम जस्टिफाई भी कर सकते हैं, दिस इज बिकॉज E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। फिर से मैं वही रिलेशन यूज कर रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव ऑफ डीवी बाई डी आर होता है एज वी इज कॉन्स्टेंट इनसाइड द शेल, तो देयर फोर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, क्योंकि +1 में बताया जाता है कि जब कोई वैल्यू कांस्टेंट होती है तो उसका डेरिवेटिव लेने पे जीरो आंसर आता है। तो अगर वी कांस्टेंट हो गया तो उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है, जहां पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी? जीरो मिलेगी। तो ये अभी आपको ये सारी नॉलेज भी याद रखनी है, ठीक है? एनसीईआरटी की नॉलेज है, बहुत एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक पे बड़े क्वेश्चन आएंगे 1-1 मार्क के, ठीक है? तो आपको अगर ये कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो बड़े आराम से आप उनके आंसर लिख पाओगे, समझ में आएगा आपको। ओके, एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, उसके बाद एग्जाम्पल 2.25, उसमें क्या कह रहा है उसको मैं समझा दूंगा आपको। स्टेटमेंट आपकी नोटबुक में लिखी हुई है, इसमें कह रहा था कि एक सफेरिकल ड्रॉप है वाटर की, तो ये मान लो एक पानी की मोटी ड्रॉप है जिसके ऊपर चार्ज गिवन है, तो उस पे एज पर गिवन क्वेश्चन इतना चार्ज गिवन है 3 × 10⁻¹⁹ कूलम, और उसकी पोटेंशियल वैल्यू है 500 वोल्ट। तो ये दो वैल्यू एक वाटर की ड्रॉप के ऊपर दी हुई है, तो आपको दो चीजें पूछी हैं, एक तो उस ड्रॉप का रेडियस पूछा है। तो पहले पार्ट में पूछा है व्हाट इज रेडियस ऑफ ड्रॉप, व्हाट इज रेडियस ऑफ द ड्रॉप। तो हम एक एक पार्ट ही कर लेते हैं, राइट? तो पहला पार्ट तो आसान ही है क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि कोई भी बॉडी जो होती है उसकी सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है उसका फार्मूला होता है 1/4πE₀ चार्ज बाय रेडियस, चार्ज बाय रेडियस। अब सीधा सीधा वैल्यू पुट करने वाला न्यूमेरिकल था पहला पार्ट, क्योंकि पोटेंशियल सरफेस पे दिया हुआ है 500, 1/4πE₀ की वैल्यू पुट कर देंगे और चार्ज भी गिवन है 3 × 10⁻¹⁹, और आर निकालना है। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके बड़े आराम से आर के लिए सोल्व कर लूंगा, ये हो जाएगा 9 × 3/5 × 10⁻¹⁹ हो जाएंगे 9 − 19, और ये जो 100 500 की दो जीरो है ये ऊपर जाके −2 हो जाएंगे, ठीक है ना? 9 × 3 = 27/5 × 10⁻¹−12, ठीक है?
मीटर। तो पहला पार्ट तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो पहला पार्ट तो आसान ही था। अब बी पार्ट में क्या कह रहा है, इफ टू ड्रॉप्स ऑफ सेम चार्ज एंड सेम रेडियस। कहता है मान लो हमारे पास ऐसी दो ड्रॉप्स होती, तो मान लो ये दो ड्रॉप्स मैं बनाकर दिखा रहा हूं, दोनों आइडेंटिकल है, मतलब दोनों का रेडियस भी सेम है और दोनों पे चार्ज वैल्यू भी सेम ही है जो पहले दे रखा था। हैं, कह रहा है ये दो ड्रॉप्स जुड़कर एक सिंगल बड़ी ड्रॉप में बदल गई। तो मान लो ये दोनों ड्रॉप्स जुड़कर एक बिग ड्रॉप में बदल गई, कंबाइन हो गई, ठीक है। तो बताओ उस नए ड्रॉप के सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा। तो हमें उसका पोटेंशियल निकालना है। मान लो इस ड्रॉप पे चार्ज था, क्यू पोटेंशियल था भी, क्योंकि ये ड्रॉप आइडेंटिकल थी, तो इस पे भी चार्ज होगा, क्यू पोटेंशियल होगा भी है। अब एक तो जब बिग ड्रॉप बनेगी तो उसका रेडियस भी चेंज हो जाएगा। मान लो उसका रेडियस आर डैश हो गया, कितना हो गया रेडियस आर डैश, और पोटेंशियल भी चेंज हो गया, मान लो पोटेंशियल हो गया वी डैश, कितना हो गया वी। तो हमसे एग्जामिनर ने न्यू पोटेंशियल मतलब ये वी डैश पूछा था। क्वेश्चन समझ में आ गया। सर, इसके अंदर जो क्यू है चार्ज वो तो सिंगुलर है, तो वो तो डिपेंड करना चाहिए था सकते हैं। नहीं, क्यों, कोई एक्सटर्नल मान लो किसी आप में ज्यादा ताकत है तो आप जोड़ दो, उनको क्या प्रॉब्लम है। हर बार थोड़े ना कोई चीज रिपेल कर रही है तो आप उनको जोड़ ही नहीं सकते। दो मैग्नेट रिपेल करते हैं उनको, मैं मेरे अंदर दम याद है, मैं जोड़ नहीं सकता दो टाइनी मैग्नेट को लगकर, वो रिपेल भी कर रहे हैं तो मेरे अंदर ताकत याद है। ऐसा तो नहीं, रिपेल वाली चीज को आप जोड़ नहीं सकते, क्यों नहीं जोड़ सकते। ठीक है, आप स्प्रिंग को, स्प्रिंग भी तो अपनी नेचुरल पोजिशन पे आता है, दम लगा के दबाई देते हैं, तो ये थोड़े ना कोई चीज अगर दबनी नहीं चाहती तो हम दबा ही नहीं सकते। आप में दम याद है तो आप दबा लो, क्यों नहीं दबा सकते। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आ गए। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका बिग ड्रॉप का रेडियस निकालना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ी छोटी क्लासेस का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा बेसिक, क्योंकि पानी का वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, तो वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप पानी की, उसका वॉल्यूम बराबर होगा जो वॉल्यूम ऑफ टू स्मॉल ड्रॉप्स होगा, वॉल्यूम ऑफ टू स्मॉल ड्रॉप्स, क्योंकि पानी तो उतना ही रहेगा ना मात्रा में, है ना। अब किसी भी ड्रॉप का वॉल्यूम क्योंकि सफियर शेप है तो होगा 4/3 पाई r डैश क्यूब, और दो स्मॉल ड्रॉप्स, अब एक का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r क्यूब, और दो ड्रॉप्स हैं तो उसे 2 से इंटू कर दो। तो हम पहले तो कैपिटल सॉरी न्यू रेडियस को पुराने रेडियस में निकाल लेंगे, कि जो नया रेडियस होगा वो पुराने रेडियस का 2^1/3 r हो जाएगा। यहां तक पहले समझो और देखो कोई डाउट अभी भी आपके दिमाग में अगर आ रहा है। अब क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि चार्ज भी उतना ही रहेगा, तो जो बिग ड्रॉप पे चार्ज होगा वो बराबर होगा जो दो स्मॉल ड्रॉप के चार्ज है। हर ड्रॉप पे क्यों क्यों चार्ज था, इसका मतलब बिग ड्रॉप पे जो चार्ज हो जाएगा वो पुरानी ड्रॉप का 2q हो जाएगा, जुड़ गया ना चार्ज भी जुड़ गया। नाउ अब हम वही पोटेंशियल का फार्मूला लगा देते हैं। तुम्हें पता है किसी भी ड्रॉप के ऊपर जो पोटेंशियल का फार्मूला होता है 1/4 पाई e0 q' / r', r डैश मतलब न्यू वैल्यू, q' / r', राइट। अब मैं इसमें वैल्यू पुट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई e0। अब q' जैसे मैंने समझाया 2q हो गया, और r' 2^1/3 r हो गया। तो ये हो जाएगा 2^1 - 1/3, 1/4 पाई e0 q/r। बस, तो 2^1 - 1/3 हो जाएगा 2^2/3, और 1/4 पाई e0 q/r पुराना पोटेंशियल था, यानी कि जो नया पोटेंशियल आएगा वो पुराने पोटेंशियल का 2^2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2^2/3, ठीक है, 2^2/3, ठीक है। तो क्योंकि हमें 2^2/3 और 500 वोल्ट, क्योंकि पहले से वो था, अगर आप इसको सॉल्व कर लो तो ये आंसर आ जाएगा कि अब पानी की ड्रॉप पे जो पोटेंशियल हो जाएगा
वो 794 वोल्ट हो जाएगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। हाँ जी, तो आज की क्लास में जो कराया वो क्लियर है, ठीक है। तो आपने इन सारे क्वेश्चंस को, थ्योरी पार्ट को, फार्मूलों को घर जाकर देखना है, फार्मूले लर्न करने हैं बार बार। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी टेक्निक बताई थी, न्यूमेरिकल देखो हर स्टेप को कि कैसे किया, कैसे हो गया, हर स्टेप दिमाग में जाएगा तो क्लियर होता जाएगा, राइट। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास को ओवर कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फर्दर पढ़ेंगे। ओके, राइट।